अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है। उसके लिए मैंने कतान सिल्क लिया है, नट लिया है और ये बेल्ट लिया है और बाजू पे लगाने के लिए ये फैंसी लेस लिया है। तो चलिए आप सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े का पीस कटिंग किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो लंबाई है वो मैं इसकी चुनटे डाल के पूरी करूँगी। तो लंबाई मैंने इसकी अपने अंदाजे के मुताबिक लिया है। उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर चुनटे डालते जाना है। तो ये मैं इस तरह चुनटे डाल के इसके ऊपर पहले पिन अप कर लूँगी आसानी से। तो इस तरह दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चुनटे डालते जाना है। इस तरीके से इस पूरे कपड़े पर चुनटे डालनी है। तो ये मैंने इसकी चुनटे डाल ली हैं। चुनटे डालने के बाद अब इसकी लंबाई पूरी करेंगे। जो लेंथ है वो मुझे 13 इंच चाहिए मार्जिन समेत। तो मैंने इस पे निशान 13 का लगा कर तो कट कर देना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैंने प्रेस लगानी है। तो प्रेस भी मैंने लगा लिया है। अब इसको इस तरह से दरमियान करके तो निशान लगाना है, क्योंकि मैं दरमियान में एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि जो हमारी चुनटे हैं वो सही सफाई से आएँ। तो ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से चुनटे बराबर करते हुए ये सिलाई लगाई है। अब इसके बाद एक और मैंने कपड़े का पीस लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 है और लंबाई मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक लिया है। अब इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है पिनटेक्स प्लीट के लिए। तो पिनटेक्स प्लीट का जो दरमियानी फासला है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से इस पूरे कपड़े पर निशान लगाते जाना है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके तो इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस कपड़े पे सारे पिनटेक्स प्लीट डाल दिए हैं। तो इसकी लंबाई पूरी करनी है। लंबाई पूरी करने के लिए मैंने वही कपड़े का पीस लिया जिस पे चुनटे डाली हैं। तो निशान लगा कर तो कटिंग कर देना है। ये जो नीचे पीस बचा है मैं एक और फ्राक पे इस्तेमाल करूँगी। सेम मैंने ऐसे ही एक और फ्राक बनाना है। तो इस तरह से इसको दरमियान करके तो इसको कटिंग कर देना है। और इस पीस पे जो चुनटे डाली हुई हैं इस तरह से रख के तो सिलाई करना है। तो ये मैंने सिलाई कर दिया। जब मैंने नाप किया तो मुझे चौड़ाई कम लग रही थी, तो इसलिए इसकी चौड़ाई को मज़ीद पूरा करने के लिए मैंने एक और कपड़े के ये दो पीस काटे हैं। तो ये सिलाई में आ जाएंगे। तो ये मैंने इनको इसके साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद ये मैंने फैंसी डोरी ली है, तो उसको इस तरह से लंबाई की तरफ रख के तो सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। उसके बाद जो बैक पार्ट की योक है उसका कपड़ा लेना है, जिसकी विड्थ 20 इंच है और जो लेंथ है वो 13 इंच है। उसके बाद ड्राफ्टिंग के लिए इनको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। नीचे बैक पार्ट रखना है और ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है और इनको पिन अप कर लेना है ताकि ड्राफ्टिंग में ये हिले नहीं। तो सबसे पहले क्रॉस पैक लेनी है। क्रॉस पैक 6.5 इंच है और मैं इस तरह लंबी लाइन ड्रा करनी है। और आर्म होल जो है वो 1/2 इंच ज़्यादा होगा तो वो 7 इंच है। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 8 इंच। ये हेल्दी बच्ची है तो इसलिए इसका 8 इंच चेस्ट का निशान लगाया है। और उसके बाद आर्म होल की गुलाई करनी है। जो नेक की विड्थ है वो 2.5 है और उसके बाद टेक की शेप मैंने दी है। जो वेस्ट है वो 8 इंच है। उसके बाद इस तरह से निशान लगा कर तो इनकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह नोचेस लगाने हैं ताकि सिलाई के टाइम हमें कोई मसला ना बने। तो ये मैं खोल के आपको चेक करवा देती हूँ इसकी लुक इस तरह से आएगी। तो ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक बनेगा। उसके बाद मैंने इसके बाजू कटिंग करनी है। बाजू की जो टोटल लेंथ वो मैंने लिया 28 इंच है। इसकी जो 18 इंच का निशान है वो हमारा मार्जिन समेत तैयार जो हमारा बाजू है। उसके बाद ऊपर जो मैंने ली है इसकी वो 9.5 इंच ऊपर से ली है एक्स्ट्रा पफ बनाने के लिए। और जो 7.5 इंच पे निशान लगा कर नीचे 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह बाजू की हमने शेप दी है और इस तरह से इनको मिला देना है। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब ऊपर पफ की शेप देने के लिए भी इसी तरह से निशान लगाते जाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। तो उसकी इसी तरह तरीके से गुलाई करनी है जिस तरह हम बाजू की करते हैं। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब उसके बाद कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। कटिंग करने के बाद बाजू को इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर हमने प्लीट डालनी है। तो ये इस तरह से जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड करके तो इस पर पिन अप करना है। तो आप चुनटे इतनी डालें जितनी आपकी बाजू की जो चौड़ाई है वो आर्म होल की वो पूरी हो जाए। तो जितनी आपकी पूरी होगी हो रही होगी उतनी आपने चुनटे डालनी है। तो ये मैं पिन अप कर रही हूँ क्योंकि इससे आसानी हो जाती है सिलाई लगाने में। तो ये इस तरह से बहुत खूबसूरत पफ की शेप आती है। तो इसके ऊपर सिलाई लगा दी।
लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा दी है, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत शेप आई है। बाजू तैयार है। अब इसके लिए उसके बाद हमने घेर तैयार करना है, जिसकी लेंथ भी 43 इंच है और जो विड्थ है वो भी 43 इंच है। ये डबल कपड़ा मैंने लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से कोने से पकड़ के इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उस एक कोने से इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो जो मैंने योक कटिंग की हुई है उसकी चौड़ाई, उसको उसके ऊपर रखे तो इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो इस तरीके से एक सीधा निशान लगाना है चौड़ाई लेने के बाद, और इस जो लाइन लगाई है इसका हाफ लेकर हाफ इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, ताकि अम्ब्रेला की जो शेप है वो अच्छे से आए। तो ये मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद इंच टेप को इस तरह से रख के तो इसके ऊपर निशान लगाते जाना है, नीचे गुलाई की कटिंग इस अच्छी से आएगी। तो इस तरीके से निशान लगाते जाना है। निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं वहाँ वहाँ इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद मैंने नेट का सेम साइज़ में पीस लिया है। इसकी भी विड्थ 43 है और लेंथ भी 43 है। उसको भी इस तरह से फोल्ड करके तो इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो आसानी के लिए इसी पीस को मैंने इसके ऊपर रखा है। इसके ऊपर रखने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। तो ये इसकी कटिंग हो गई है। और इसके बाद नोचेज़ आपने लाजमी लगाने हैं। अब साइड पे जो बंद पार्ट है उसको भी खोलने के लिए साइड से इसको कट लगा देना है। तो ये नीचे घेर के हमारे पास तैयार है। इसके बाद हमने गला तैयार करना है, जिसकी विड्थ 2.5 इंच है और जो लेंथ है वो 4 इंच है। तो ये बुकरम का मैंने बड़ा गला काटा था, तो ये बुकरम का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं उसी पीस पे छोटे गले की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके तो इसकी कटिंग करनी है। जो गला है वो मैंने इसका गोल ही रखा है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी शेप दे लें। तो ये इसकी कटिंग कर दी है मैंने। उसके बाद इसको कपड़े पे रख के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में कट लगाना है। अब इसके बाद इस गले को इस योक पर अटैच करना है। तो जो मैंने योक पे कट लगाया हुआ है और गले का कट, इनको बराबर रख के तो सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर वाला कपड़ा काट के तो इस तरह से कट लगाने हैं। कट आपने लाजमी लगाने हैं, ताकि गला अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इसमें कोई चुनट ना आए। तो इस तरह से अंदर मैंने फोल्ड कर लिया है, और उसके ऊपर या प्रेस लगा लें या सिलाई लगा लें। और इस तरह बैक गला मैंने तैयार करना है। तो इस तरह जो डीप है वो मैंने इसकी 2 इंच रखी है, और जो नीचे बटन के लिए मैंने कट लगाया है वो 3 इंच के। और कट लगाने के बाद अब निशान लगाने के बाद इसे इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। अब ये मैंने कपड़े का पीस पहले से कटिंग किया हुआ है, इसको सीधे साइड पे रख के तो जो योक का बैक पार्ट है उस पर इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो इसके बिल्कुल जिस तरह हमने गले की शेप दी है, बिल्कुल उसके साथ साथ इसकी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है। जिस तरीके से हमने कटिंग जिस तरह की हुई है उसी तरीके से इस पर कटिंग करनी है, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है जो कि उल्टी साइड पे। फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। तो जिस तरह हमने शेप दी है उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। हाफ इंच आप ज़्यादा एक्स्ट्रा आगे से कट लगाइएगा, इसे फोल्ड करने में आसानी होती है और सफाई से आता है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अभी सिलाई नहीं करेंगे, इसको फ्रंट योक के साथ पहले अटैच करेंगे, ताकि जो कंधे हैं वो सही तरीके से जुड़े, और सिलाई होने के बाद आगे से ये निकले नहीं। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है। तो इसके जो शोल्डर हैं उनको अटैच कर देना है। उसके बाद इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी, और इसको इस तरह से फोल्ड करके तो इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। जहाँ जहाँ हमने कटिंग की है वहाँ आराम से कपड़े को फोल्ड करना है, और हल्के हाथ में फोल्ड करना है, ताकि इसमें कोई चुनट ना आए। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों का इस तरीके से गला बनाती हूँ। तो आप कोई भी जो गला आपको आसान तरीके से जो आप बना लें, आप वो बना लीजिएगा। वैसे बच्चों के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है गला, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ।
उसके बाद ये बॉडी हमारी तैयार है। उसके बाद इस गला बाजू अटैच करना है, तो ये मैंने बाजू इसकी अटैच कर दी है और आगे से एक इंच की तरफ फोल्ड करके, तो जो मैंने फेंसी लेस आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी वो इसके ऊपर अटैच करनी है, तो ये मैंने इसके अटैच कर दी है। अब उसके बाद नीचे जो घेरा है उसको इसके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले जो नेट का पीस है उसको रखेंगे और उसके बाद जो कतान सिल्क है, सॉरी जो रास सिल्क है उसको इस तरह से रख के तो सिलाई करेंगे, तो घेर आपस में इसको जोड़ लेंगे। घेर साथ जोड़ने के बाद अब इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे, तो इस तरीके से इस पर सिलाई करना है। जो कमर तक है वहाँ तक हम सिलाई लगा कर इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ तक आपने डबल सिलाई लगानी है और उसके बाद जो नीचे घेरे हैं उनको अलग-अलग सिलाई करना है ताकि फ्राक पहनने के बाद सही खुल कर आए। तो सबसे पहले जो नेट है इस तरीके से निशान लगा कर जहाँ पे हमने सिलाई ख़त्म की है, तो सबसे पहले नेट पर हम सिलाई लगाएँगे। तो सिलाई जब आप स्टार्ट करेंगे तो डबल लगाइएगा, तो इस तरीके से नेट पर सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैंने इसके ऊपर सारी नेट पे सिलाई लगा दी है। सेम जैसे मैं ये कर रही हूँ आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करना है। तो इस तरह नेट पे कट लगा कर जहाँ तक सिलाई लगी हुई है वहाँ तक कट लगा कर इसको अंदर फोल्ड करना है, और अंदर फोल्ड करने के बाद अब जो है रा सिल्क उस पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से डबल सिलाई लगा कर तो इसकी सिलाई करेंगे, तो इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद बेल्ट तैयार करना है। टाइम बचाने के लिए मैंने ये बुकरम पे पहले ही इसको अटैच कर लिया कपड़े को, इस तरीके से मैंने बुकरम पे अटैच किया है कपड़े को अंदर फोल्ड करके, और इस तरीके से इस पर जिस तरह जेंट्स की पट्टी होती है उस तरह मैंने तैयार किया। और जिसकी जो लेंथ है वो 2 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। उसके बाद ये मैंने बेल्ट तैयार करने के लिए इन पट्टियों को इस तरीके से तैयार किया है और इसको सीधा कर लूँगी। इनकी जो मैंने विड्थ रखी थी वो 2 इंच, उनको डबल फोल्ड करके तो मैंने सिलाई लगाई थी, और इस तरह इसको सीधा कर लेना है, इन दोनों को इस तरीके से सीधा करना है। उसके बाद ये जो बेल्ट है उसको उल्टी तरफ फोल्ड करना है, ये इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ उल्टी तरफ फोल्ड करके, तो इस तरह इस पे बेल्ट ये लगाना है ताकि ये अंदर गुम सिलाई हो जाए। आप इस लैस के ऊपर सिलाई लगा के देखिएगा, अगर आपकी मशीन इस लैस के ऊपर नहीं चल रही तो आप सुई के ऊपर जो सरसों का तेल होता है वो लगाइएगा, तो अगर लगाने के बाद जो मशीन है वो इसके ऊपर लैस के ऊपर सही तरीके से चलेगी और सिलाई सही लगेगी। इसके बाद दोनों साइड पे इस तरह मैंने ये बेल्ट को अटैच किया है गुम, और अटैच करने के बाद इस बेल्ट को सीधा कर लेना है, तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। और उसके बाद इसको बंद करने के लिए आगे किनारे पर सिलाई लगानी है, तो ये जहाँ तक बेल्ट का डिज़ाइन है वहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी क्योंकि आगे मशीन नहीं चलेगी, तो बाद में मैं इसको अंदर वाली साइड पे जो हिस्सा रह जाएगा उस पर तुरपाई करूंगी। तो ये हमारे फ्राक की फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही खूबसूरत फ्राक है, ये मैंने अपनी बच्ची का ईद के लिए बनाया था। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ये डिज़ाइन बना सकते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्राक है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।